गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू दफिशियटिव चैनल ऑफ ऑफिसर ट्वेंटी फोर सेवन सो सबसे पहले तो आप मुझे बता दीजिए हाउ आर यू ऑल एंड ऑल्सो लेट मी नो इज़ ऑडियो वीडियो बोथ हर रोके हावे गुड टू गो एक बार जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए और जैसे कि आप सबको तो पता है हर दिन सुबह मंडे से सैटरडे हम सुबह मिल रहे हैं सेवन थर्टी ए एम पे विद योर जीत बैच जीत सीरीज़ के साथ है ना तो ये जो तो सीरीज़ है उसमें मोस्ट इम्पॉटेंट एम सी क्यू हम डिस्कस कर रहे हैं बट एडवांस एम सी क्यू है ना और आज की क्लास जो है हमारी टेंथ क्लास है आज की क्लास में हम आई फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टार्ट किया है मॉड्यूल डी से मॉड्यूल डी Uh, को पहले हम कवर करेंगे देन सी एंड देन ए और बी पे, पे आएंगे और आई गेस अब तक आपको पता होगा क्यों हमने डी स्टार्ट किया बिकॉज इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल ठीक है तो सबसे पहली चीज यहाँ पे आपका क्लास नंबर टेन है और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट वो रहेगा आपका मॉड्यूल डी फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से यूनिट नंबर थर्टी एट दैट इज़ योर वेंचर कैपिटल तो क्लास नंबर टेन है हमने स्टार्ट किया था मॉड्यूल डी को फ्रॉम योर ट्वेंटी नाइन यूनिट्स तो ये हमें कंप्लीट कर चुके हैं सभी यूनिट्स को और आज जो है हम थर्टी एट यानी कि वेंचर कैपिटल पढ़ेंगे अब आप में से कोई भी ऐसा पर्सन है जो पहली बार इस सेशन में जुड़ा है या पहली बार लेट्स फॉर एग्जाम्पल ऑफिस हज़ार ट्वेंटी फोर आप आए हो तो आई वुड लव टू इन्फॉर्म यू कि इस चैनल पर आपको आपकी जी आई बी सी आई बी बैंक प्रमोशन एग्जाम से रिलेटेड सारे जो डाउट्स हैं उनकी क्वेरीज़ के आंसर मिलेंगे अपार्ट फ्रॉम दैट आपके जे के प्रिपरेशन के लिए रेगुलरली हर एक सब्जेक्ट की सीरीज चलाई जा रही है अगर इससे पहले वाले सेशन आपने अटेंड नहीं करे तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जरूर जाइएगा वहां पर प्लेलिस्ट में सारे सेशन की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी ठीक है दैट इज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू आप उसको रिकॉर्डिंग फॉर्म में चेक कर सकते हो और अब से रेगुलर ये क्लास अटेंड करने के लिए आपको जुड़ना होगा सेवन थर्टी ए एम मंडे टू सैटरडे ओनली ऑन ऑफिस ऑफर ट्वेंटी फोर सेवन कैलिए आगे बढ़ते हैं अब आप यहाँ देखो यूनिट नंबर थर्टी एट में जब हम बात करें तो हम बात करें वेंचर कैपिटल की अब वेंचर कैपिटल होता क्या है थोड़ा बेसिक इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं फिर आगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम करेंगे तो वेंचर कैपिटल इज एक्चुअली कम्स अंडर द रेगुलेशन ऑफ सेबी सेबी के रेगुलेशन में आपका वेंचर कैपिटल आता है इट मीन्स हु रेगुलेट्स वेंचर कैपिटल सेबी डस सेकेंड थिंग अगर हम बात करें वेंचर कैपिटल की कुछ सर्टिन फीचर्स है सबसे पहला फीचर तो ये है कि वेंचर कैपिटल स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं है ना ये पैसा लगाते हैं अनप्रोवन कंपनीज़ में वाई आई एम कॉलिंग दम अनप्रोवन कंपनीज़ क्योंकि ये अभी स्टार्ट हो रही है ना इन्होंने मार्केट को ऑब्जर्व नहीं किया अभी तक इन्होंने मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं किया अभी तक तो ये अनप्रोवन है प्रूव नहीं हुई है प्रूवन होती मतलब कि इनकी मार्केट में प्रोडक्ट्स चल रहे लोग ख़रीद रहे पूछ रहे हैं कब आएगा नया प्रोडक्ट आपका और आपकी सेल्स बढ़ रही है तो वो प्रूवन कंपनीज़ होती है अनप्रोवन मीन्स अब तो ये मार्केट में एंटर होगी अपने आप को साबित करेगी एंटर होने के बाद तो दीज आर द अनप्रूवन कंपनीज अच्छा आप वेंचर कैपिटल क्या करते हैं ना ये फंड कलेक्ट करते हैं फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर जैसे कि म्यूचुअल फंड्स करते हैं तो जैसे म्यूचुअल फंड बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करके फिर अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करता है ताकि रिस्क को मिनिमाइज कर सकें ये क्या करते हैं ये बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा है करते हैं और उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप्स में ठीक है और स्टार्टअप्स में जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इनका इन्वेस्टमेंट करने का जो तरीका है वो होता है मेनली इक्विटी के फॉर्म में किसके फॉर्म में इक्विटी फॉर्म में ये इन्वेस्टमेंट करते हैं हालांकि ऐसा नहीं कि लोन नहीं देते लोन भी देते हैं आपका डेट के फॉर्म में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं बट मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो होता है वो इक्विटी के फॉर्म में होता है डेट यहाँ पे जो है दो तरीके के हैं एक कन्वेंशनल है एक कंडीशनल है इसको आप पढ़ोगे कन्वेंशनल लोन और कंडीशनल लोन को इन डिटेल जब आप पढ़ोगे चैप्टर को तो इक्विटी के फॉर्म में इनका मेन इन्वेस्टमेंट रहता है ठीक है साथ में अब आप एक तो नई कंपनी में पैसा लगा रहे हो स्टार्टअप में पैसा लगा रहे हो दूसरा अनप्रूवन तीसरा फॉर्म में पार्टनर हो आप ओनर बन रहे हो तो आपको आपको प्रॉफिट मिलेगा कंपनी को लॉस हुआ आपको लॉस बियर करना पड़ेगा तो यहां पे इन सिचुएशन यू विल फाइंड कि ये जो लोन है आपका वेंचर कैपिटल का ये आपका हाई रिस्क को इन्वॉल्व करता है अच्छा हाई रिस्क तो है पर हाई प्रॉफिट के चांसेस भी हैं अच्छा ये तो दिख ही नहीं रहा होगा यहाँ पे वन सेकेंड हाई रिस्क तो है बट हाई रिटर्न के चांसेस भी होते हैं है ना किसके चांसेस हैं हाई रिटर्न के चांसेस भी यहाँ पे हैं क्योंकि अगर मान लो सक्सेसफुल हो गया तो आप ओनर हो अच्छा खासा पैसा आप कमा के ले जाओगे ठीक है तो ये हैं कुछ फ़ीचर्स आपके वेंचर कैपिटल के ये पैसा स्टार्टअप में लगाते हैं अनप्रूवन कंपनीज में लगाते हैं दूसरों से पैसा इकट्ठा करके पैसा लगाते हैं और पैसा इक्विटी के फॉर्म में मैक्सिमम लगाते हैं डेट भी देते हैं पर किसी कंडीशन केस में हाई रिस्क होता है हाई रिटर्न को भी इन्वॉल्व करते हैं क्योंकि ये वेंचर कैपिटल स्टडी करते हैं पहले ऐसे ही नहीं। किसी भी स्टार्टअप में जाके पैसा लगा दिया पहले उसको स्टडी करेंगे कि इसमें पोटेंशियल ग्रोथ के चांसेस हैं या नहीं अगर चांसेस होते हैं तो ही इन्वेस्ट करते हैं अदरवाइज नहीं करते तो आई गेस ये सारी बेसिक डिटेल्स हमने देख लिए कुछ फीचर्स हमने देख लिए आपके वेंचर कैपिटल के ठीक है अब आगे बढ़ते हैं इन फीचर्स को याद रखिएगा बहुत छोटे पॉइंट्स लिखे हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं ठीक है चलिए आप क्वेश्चन के फॉर्म में चैप्टर को और थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मंजिल बैच है एक आपका जो मैंने स्टार्ट किया है ऑफ़ मार्च को है ना सिक्स ऑफ मार्च को ये बैच स्टार्ट हो चुका है इस बैच का टाइम है टेन टू अलेवन पी एम आपका और इस टाइम पे है ना इस टाइम पे आपको मिल जाएगी आई ई आई की क्लासेस मंजिल बैच में आपका कॉन्सेप्चुअल क्लासेस भी हैं ई बुक्स भी हैं टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है क्लास पी डी एफ भी होगा एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द मंजिल बैच कॉम्प्रीहेंसिव बैच है अगर आपको इंडिविजुअल सिर्फ आई ई आई एफ एस का बैच चाहिए तो वो भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा और अभी इस बैच पर चल रहा है एटी वन परसेंट डिस्काउंट इफ यू यूज द कोड बाई फोर नाइन सिक्स ठीक है चलिए तो ये थी इंफॉर्मेशन आगे आप बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के साथ जो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर करेक्ट अबाउट वेंचर कैपिटल वेंचर कैपिटल को लेकर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको आंसर देना है फर्स्ट इज सेंग वेंचर कैपिटल में बी ब्रॉडली डिफाइंड एस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सेकेंड दिस इज यूजली प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी अपार्ट फ्रॉम कंडीशनल एंड कन्वेंशनल लोन तो होगा थर्ड वेंचर कैपिटल थर्स नॉट फाइनेंसर्स ओनली बट ऑल्सो बियर द रिस्क आप सिर्फ पैसा नहीं दे रहे हो आपको रिस्क भी बियर करनी है क्योंकि आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो आप ओनर हो

तो आई गेस ये सारे पॉइंट्स जो लिखे हैं ये मैंने शॉर्ट में आपको सबसे पहले बता दिए एक चीज में सो गई थी वहां पे कि इन्वेस्टमेंट कौन सा है तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है फर्स्ट करेक्ट है सेकंड भी करेक्ट है थर्ड भी करेक्ट है और आपका फोर्थ भी करेक्ट है इट मीन्स ऑल द स्टेटमेंट अबाउट द वेंचर कैपिटल इज करेक्ट ही सारे स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सो राइट आंसर इज डी ऑल ऑफ द अब सेकेंड इट वॉज डैश कमिटी कमिटी ऑन डेवलपमेंट ऑन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन द ईयर सेवेंटी टू विच रिकमेंडेड द्रिएशन ऑफ वेंचर कैपिटल तो बता रहा है कमिटी कौन सी थी द ब्लैंक्स का स्टेटमेंट है कमिटी अर्ज द नीड फॉर प्रोवाइडिंग सच कैपिटल टू हेल्प न्यू डैश एंड डैश इन सेटिंग ऑफ स्टार्ट इंडस्ट्रीज अब देखो अगर आपको कमिटी पता है ना तो आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन को पहले पर कमेटी बताना चाहिए मल्होत्रा कमिटी है भट्ट कमिटी है रंगराजन कमेटी है नन ऑफ द अबव या फिर कोई और कमेटी है तो एक्चुअली आपका कमिटी है भट्ट कमिटी तो ए और सी को आप एलिमिनेट कर दो पर आंसर सारे बताना चाहिए क्योंकि लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दी है तो कमिटी आपका 1972 में आया भट कमेटी इन्होंने कहा वेंचर कैपिटल बनाओ और इन्होंने कहा हम वेंचर कैपिटल के थ्रू हेल्प करेंगे किनको स्टार्टअप्स को ना स्टार्टअप्स है तो नए क्या होंगे नए ऑन्टरप्रिनर्स ही तो होंगे नए टेक्नोलॉजिस्ट ही तो जो होंगे जो अपने आइडियाज़ को बिजनेस का फॉर्म देने के लिए तैयार हो चुके हैं मार्केट में रिस्क लेने को तैयार है बिकॉज कोई उनको पैसा देने को तैयार है तो राइट right आंसर आपका क्या होगा बी याद रखिएगा भट्ट कमेटी नाइनटीन न्यू ऑन्टरप्रिनर्स न्यू टेक्नोलॉजिस्ट को फंडस प्रोवाइड करता है ताकि ये बिजनेस कर सके ओके तो राइट आंसर इज़ बी चलिए सेकेंड थर्ड क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज आर इन करेक्ट अबाउट वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फीचर्स तो वेंचर कैपिटल के जो इन्वेस्टमेंट फीचर्स हैं उनमें इनमें से इन करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है आपको बताना है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज आर इन करेक्ट अबाउट वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फीचर्स फर्स्ट दे आर हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट मेड विद एन इंटेंशन ऑफ मेकिंग हाई प्रॉफिट सेकेंड द इन्वेस्टमेंट मेड आर मेड इन्वेस्टमेंट मेड आर बेस्ड ऑन शॉर्ट टर्म गोल्स थर्ड द इन्वेस्टमेंट्स आर मेड इन प्रूवन कंपनीज विच हैव पोटेंशियल टू ग्रो फोर्थ मनी इज इन्वेस्टेड जनरली बाय बाइंग इक्विटी शेयर्स इन द स्टार्टअप कंपनीज सो आउट ऑफ दीज फोर आपको बताना है कौन सा इन करेक्ट है और आई गेस आपको डायरेक्टली वर्ड्स दिख जाएंगे जो गलत है यहाँ पे डायरेक्टली वर्ड्स दिख रहे हैं देखो जैसे कि सेकेंड कह रहा है शॉर्ट टर्म है ما लॉन्ग टर्म होता है जस्ट देखा हमने तो लॉन्ग टर्म में यानी कि आप दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो यानी कि ए और बी हट गए क्यों हट गए क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछा और सेकेंड डेफिनेटली इनकरेक्ट है तो फर्स्ट और सेकेंड एलिमिनेट हो गए अब देखो थर्ड में भी आपको एक वर्ड दिख जाएगा प्रूवन कंपनीज मैंने लिखा था अनप्रूवन में पैसा लगाते हैं जिन्होंने अभी तक साबित नहीं किया खुद को मार्केट में बट जाने वाले हैं तो अनप्रूवन यानी कि थर्ड भी रॉन्ग है तो राइट आंसर विल बी डी ओनली सेकेंड एंड थर्ड आर इनकरेक्ट अबाउट द वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फीचर्स ठीक है हाई रिस्क रखते हैं हाई रिटर्न के चांसेस होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं अनप्रूवन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे स्टार्टअप्स में पैसा लगाएंगे ये सारे फीचर्स आपके किसके हैं वेंचर कैपिटल के तो राइट ऑप्शन आपका क्या हुआ डी सेकेंड एंड थर्ड इज इन चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग जो है ये कंसिस्ट करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ फाइनेंसिंग कौन कौन सी स्टेप ऑफ फाइनेंसिंग को ये कवर करेगा डील ऑरिजिनेशन स्क्रीनिंग इवेल्युएशन पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी प्री इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी तो बताइए राइट आंसर यहां पे क्या है ए बी सी और डी अब वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग के कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पे है ना तो उन स्टेप में से इनमें से कौन सा स्टेप है आपको ये बताना है या कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तो सबसे पहली चीज़ आप वेंचर कैपिटल को फाइनेंस करना चाहते हो तो डील ऑरिजन रेफरेंस ढूंढते हो कहाँ से आए रेफरेंस डील कहाँ से आई है स्क्रीनिंग करते हो इवैल्यूएशन करते हो उसका पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की इवेल्यूएशन कर लिया इन्वेस्टमेंट कर दिया उसके बाद पोस्ट इवेल्यूएशन एक्टिविटी करते हो पर प्री इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं होती इसके बाद आप एग्जिट रूट को यूज़ करते हो है ना पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कर लिया एग्जिट रूट ढूंढ के मार्केट से मतलब इस इन्वेस्टमेंट से बाहर निकल जाते हो बट फिफ्थ ऑप्शन बोल रहे हैं प्री इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी ऐसा कुछ नहीं होता डायरेक्टली डील ओरिजिन से स्टार्ट होता है और एग्जिट रूट पर ख़त्म होता है तो राइट आंसर होगा ऑल आर द स्टेजेस और ऑल आर द स्टेप्स एक्सेप्ट फिफ्थ ऑप्शन प्री इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी ऐसा कुछ भी आपका वेंचर कैपिटल में नहीं होता है तो यू कैन सी आंसर नंबर सी इट इज़ और ऑप्शन नंबर सी इट इज क्लियर <clears> सॉरी <throat> आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट एडवांटेजेस ऑफ वेंचर कैपिटल इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है अबाउट दी एडवांटेजेस ऑफ वेंचर कैपिटल पहला बोल रहा है तो ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल ऑफ द फाउंडर इज लॉस्ट एज द इन्वेस्टर बिकम्स अ पार्ट ओनर सेकंड बोल रहा है द अमाउंट ऑफ इक्विटी फाइनेंस दैट कैन बी प्रोवाइडेड इज लार्ज थर्ड बोल रहा है

चलिए तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो आपको ये तो दिख ही रहा है कि आपका सेकंड बिल्कुल सही है इक्विटी फाइनेंस करता है लार्ज अमाउंट ऑफ फंड आपको प्रोवाइड करता है एडवांटेज है कि आपके नए बिजनेसमैन को लार्ज कैपिटल मिल रहा है वो भी ओनरशिप के फॉर्म में आपका ऑब्लिगेशन नहीं है थर्ड भी बिल्कुल सही है फर्स्ट अगर वेंचर कैपिटल के लिए देखें तो अच्छा है रिस्क को मिनिमाइज कर रहा है इट मीन्स ऑल ऑफ दी अबव आर दी एडवांटेजेस ऑफ वेंचर कैपिटल है ना अगर आप फर्स्ट की बात करो तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑन्टरप्रिनर उसके लिए गलत हो जाएगा अलावा इनके पास भी आता है क्योंकि वेंचर कैपिटल को फायदा है इसमें अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो जितना कंपनी कमाएगी उतना आप भी कमाओगे तो दैट्स फॉर ह्यू वेंचर कैपिटल तो राइट आंसर विल बी डी ऑल ऑफ दी अबो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा अबाउट द कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया जा सकता है तो वेंचर कैपिटल फंड रेज कर सकता है फ्रॉम इन्वेस्टर जो इंडिया में है फॉरेन में है एनआरआईज हैं बाय वे ऑफ इशू ऑफ यूनिट्स मिनिमम अमाउंट एक्सेप्टेड फ्रॉम एन इन्वेस्टर इज डैश कितना अमाउंट आप एक्सेप्ट कर सकते हो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है ना इन्वेस्टर से सेकेंड मोर ओवर ईच स्कीम लॉन्च और फंड सेटअप बाई वेंचर कैपिटल फंड शेल कमिटमेंट फ्रॉम द इन्वेस्टर टू कॉन्ट्रीब्यूट एट लिस्ट डैश बिफोर दी स्टार्टअप ऑफ इट्स ऑपरेशन तो पहली चीज तो बोल रहे हैं वेंचर कैपिटल किसी इंडियन को किसी एनआरआई को किसी फॉरनर को सबको अलाउ कर रहा है आप आओ इन्वेस्ट करो ठीक है हर किसी से फंड रेज कर लेगा सेकेंड आपका यहाँ पे पैसा जो आ रहा है वो यूनिट्स के फॉर्म में आ रहा है तो अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट invest करना चाहता है तो मिनिमम अमाउंट एक्सेप्टेड कितना है वो आपको बताना है सेकेंड कोई भी स्कीम आप लेकर आ रहे हो वेंचर कैपिटल की कोई फंड आप लेकर आ रहे हो तो उसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक फर्म कमिटमेंट चाहिए किससे इन्वेस्टर से कि आप एटलीस्ट इतना अमाउंट से तो इन्वेस्ट करोगे ऑपरेशन स्टार्ट होने के पहले तो ही हम ये फ़ंड बनाएंगे तो ही हम ये सेटअप करेंगे अदरवाइज़ नहीं करेंगे ठीक है तो ये अमाउंट कितना है फाइव लाख फाइव करोड़ फाइव करोड़ फाइव लाख फिफ्टीन लाख फाइव करोड़ टू लाख टू करोड़ बताइए क्या होगा राइट आंसर देखो जब आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर से पैसा ले रहे हो है ना तो यहां पर आपका लिमिट दिया गया है दैट इज फाइव लाख और अगर पांच लाख दिया है यानी कि हमारा पहला ऑप्शन जो है सही हो जाता है फाइव लाख है मिनिमम अमाउंट और यहाँ पे एटलीस्ट आपका पांच करोड़ का इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट मिलना चाहिए तो ही फंड क्रिएट होगा तो ही सेटअप किया जाएगा अदरवाइज़ नहीं करेंगे तो राइट आंसर इज़ ए फाइव लाख एंड फाइव करोड़ अमाउंट याद रखिएगा दोनों केस में है ना इंडिविजुअल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो पाँच लाख उससे लेंगे और अगर आप फर्म फंड को क्रिएट कर रहे हो तो पाँच करोड़ चाहिए ठीक है राइट आंसर इज ए नेक्स्ट अब क्वेश्चन आता है डेफिनेशन ऑफ वेंचर कैपिटल को लेकर जैसे कि मैंने कहा वेंचर कैपिटल एक्चुअली में डील कौन कर रहा है सेबी कर रहा है सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट डेफिनेशन ऑफ वेंचर कैपिटल कौन सा डेफिनेशन राइट है तो पहला बोल रहा है वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग मींस अ डोमेस्टिक कंपनी वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग का मतलब क्या है एक डोमेस्टिक कंपनी अब यहाँ पे स्टेटमेंट में आपकी डेफिनेशन दी है हुज शेयर आर नॉट लिस्टेड ऑन रिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंज Which is engaged in the business of for providing service, production, or manufacturing of articles or things that does not include activities of sectors which have been included in the negative list by the board. Both third option and both fourth option are none. तो सिंपली वेंचर कैपिटल डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं ठीक है ये वो कंपनीज़ हैं जो रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर नहीं कर सकती खुद को सेकेंड ये इंगेज है इन बिजनेस फॉर प्रोवाइडिंग दी सर्विस प्रोडक्शन ऑफ मैनुफैक्चर आर्टिकल्स एक्सेट्रा जो कि नेगेटिव लिस्ट में बोर्ड के थ्रू नहीं डाले गए हैं तो राइट आंसर आपका क्या होगा सी स्टेटमेंट दोनों ही डेफिनेशन के पॉइंट्स जो यहाँ पे दिए हैं इट इज़ करेक्ट अबाउट वेंचर कैपिटलिस्ट और वेंचर कैपिटल तो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या सी राइट आंसर वी हैव ए सी हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो वेंचर कैपिटल में जब आप फंडिंग कर रहे हो जब आप फंड्स दे रहे हो तो वो स्टेजेस में करते हो कि किस स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट में कब कहां पे जरूरत है अकॉर्डिंगली आप पैसा देते हो तो वेंचर कैपिटल फंड प्रोवाइड फाइनेंस टू दी वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग एट डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ ऑफ़ इट्स लाइफ साइकिल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कि पूरे बिजनेस में जिस भी लाइफ साइकिल पर रिक्वायरमेंट होती है तभी लोन देते हैं दीज स्टेटे स्टेज़ ब्रॉडली क्लासीफाइड इंटू टू केस फर्स्ट इज अर्ली स्टेज है सेकेंड इज लेटर स्टेज है जब मैं अर्ली स्टेज की बात कर रही हूँ तो अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग एक्चुअली तीन सब स्टेजेस को कवर करता है कितनी तीन सब स्टेजस हैं और लेटर स्टेज फाइनेंसिंग की बात करूँ तो यहाँ पर चार सब स्टेजेस आती हैं ठीक है तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है एक्चुअल में इनमें से कौन सी फर्दर स्टेजेस हैं जो अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग में आएगी तो कितनी है तीन सब स्टेजेस हैं ऑप्शन है आपके पास सीड कैपिटल स्टेज स्टार्टअप स्टेज सेकेंड राउंड फाइनेंसिंग या ऑल ऑफ दी अबो आप बताइए वेंचर कैपिटल में ब्रॉडली अर्ली और लेटर स्टेज में फाइनेंसिंग किया जाता है अर्ली को फाइनेंस किया जाता है तीन सब स्टेज में और लेटर को फाइनेंस किया जाता है फोर सब स्टेजेस में और आपको बताना है यहाँ पे करेक्ट क्या है बताइए ए बी सी और डी एंड एक्चुअली द आंसर इज योर डी ऑल आर करेक्ट सभी करेक्ट है यहाँ पे है ना ऑल आर करेक्ट तीनों ही आपकी अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग की स्टेजेस हैं तो राइट आंसर विल बी डी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स में भट कमिटी वॉज सेटअप इन ईयर डैश एंड रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ डैश कमेटी जो है आपका कब सेटअप किया गया और इसने किसको बनाने का रिकमेंडेशन दिया था तो आज ये क्वेश्चन हमने देखा है कि रिकमेंडेशन तो इसने वेंचर कैपिटल को बनाने का ही दिया है पर कौन से ईयर में याद है आप लोगों को आज ये क्वेश्चन किया है इसी सेशन में किया है थोड़े से टाइम पहले तो आंसर है आपका नाइनटीन ट्वेंटी सेवन सेवनटी टू और एटी सेवन एंड द आंसर इज नाइनटीन सेवनटी टू में भट्ट कमेटी ने वेंचर कैपिटल को बनाने का रिकमेंडेशन दिया था तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पे बी ऑप्शन ओके और आंसर इज व्हाट? इट इज बी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा जो पूछ रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन और ऑप्शन में आपके सामने दो ऑप्शन दिए गए हैं मतलब दो स्टेटमेंट दिए गए हैं ये है आपका स्टेटमेंट वन और ये है आपका स्टेटमेंट टू और ये है आपके ऑप्शंस। ठीक है अब देखिए पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है वेंचर कैपिटल में बी ब्रॉडली डिफाइंड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस विच हैज पोटेंशियल फॉर सिग्निफिकेंट ग्रोथ एंड फाइनेंशियल रिटर्न सेकेंड दिस इज यूजअली प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी अपार्ट फ्रॉम कंडीशनल लोन एंड कन्वेंशन लोन्स सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है वेंचर कैपिटल स्टार्ट थर्स नॉट फाइनेंसर्स ओनली बट ऑल्सो बियर द रिस्क

जितनी चीज़ें यहाँ लिखी सब पे हमने क्वेश्चन कर लिया कि इक्विटी और डेट के फॉर्म में आता है मोर्स ऑफ वेंचर कैपिटल आपके इक्विटी डेट हो गए दूसरा अगर आप फाइनेंसिंग हो तो छह स्टेप पे हमने पढ़ा ना डील ऑरिजिनेशन नेगोशिएशन एक्सेट्रा तो छह स्टेजेस हैं वहाँ पे अर्ली स्टेज और लेटर स्टेज के थ्रू फाइनेंस करता है ये है ना ये ओनली फाइनेंसर्स नहीं है इनको रिस्क भी बियर करना पड़ेगा हम बढ़ चुके हैं ये ब्रॉडली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं उन बिजनेस में जिनके पास पोटेंशियल है फ्यूचर में ग्रो करने का और बेटर रिटर्न देने का प्रोवाइड करते हैं आपको इक्विटी अपार्ट फ्रॉम कंडीशनल एंड कन्विशन लोन तो पूरी समरी आज के चैप्टर की इन दो स्टेटमेंट में आ गई तो इट मीन्स आंसर विल बी योर सी बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट दोनों ही स्टेटमेंट अबाउट द वेंचर कैपिटल आर करेक्ट गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू ऑफिशियल दिपचार्ड ऑफिस ट्वेंटी फोर सेवन सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट मी नो हाउ हाई यू ऑल और एक बार जल्दी से ये भी बता दीजिए इस ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर ओके आ वी टू गो तो ये जो सीरीज़ है हमारी दिस इज योर सीरीज रिगार्डिंग योर आई ई आई एफ एस जो कि आपका हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं कुछ बीच में दो तीन दिन का गैप हो गया है हमारा तो ये सीरीज़ है आपका जीत सीरीज जहाँ पर आज क्लास नंबर इलेवन को हम डिस्कस करेंगे दोस्त कैंडिडेट हुआ न्यू हियर आई वुड लव टू इन्फॉर्म यू की ये जो जी सीरीज है ये आपको हेल्प करेगा टू कवर एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस बिकॉज सी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो कॉन्सेप्ट पढ़ना के साथ साथ ये भी सीखना होगा कि उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है सो टू नो हाउ टू अपलाई दो कॉन्सेप्ट यह सीरीज जो है आपको हेल्प करेगी कुछ एडवास क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस सीरीज में फॉर आई ई आई एफ एस मैंने स्टार्ट किया इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को आपका मॉड्यूल डी से जहां पे फाइनेंशियल मार्केट मनी मार्केट कैपिटल मार्केट फिक्स्ड इनकम मार्केट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ मार्केट मर्चेंट बैंकिंग डेरिवेटिव मार्केट फैक्टरिंग वेंचर कैपिटल लीज फाइनेंस ये वो चैप्टर्स हैं जो आप डिस्कस कर चुके आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट लीज फाइनेंस आपका चैप्टर नंबर थर्टी नाइन हम डिस्कस करेंगे ऑफ मॉड्यूल डी ठीक है सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए इन द कॉमेंट सेक्शन इज ऑडियो वीडियो बोथ आर ओके आर वी गुड टू गो सॉरी <coughs> तो सबसे पहली चीज चैप्टर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक ले लेते हैं हम यहाँ पे लीज फाइनेंस और आप जब बात करते हो आपके हायर परचेज की दोनों ही अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस है दोनों ही आपके क्या है अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस है इन लीज फाइनेंस आप किसी चीज को रेंट पर दे रहे हो यू आर पेइंग समथिंग यू आर गिविंग यूर एसेट ऑन अ रेंट तो लीज़ फाइनेंस में कुछ टर्म आपको पढ़ने को मिलेंगे जैसे कि लेसर लेसर ऑफ़ द प्रॉपर्टी है सेकेंड इज लेनेंट टेनेंट मीनस वो पर्सन जो रेंट पर ले रहा है देन आता है आपका लीज एसे वो प्रॉपर्टी जिसको आप रेंट पर दे रहे हो ठीक है एंड देन आता है लीज रेंटल लीज रेंटल का मतलब है वो पेमेंट जो आप पे कर रहे हो इस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए दैट इज योर लीज रेंटल ठीक है तो लीज फाइनेंस के अंदर ऑल ओकेट थैंक यू सो मच संजीव सर तो लीज फाइनेंस के अंदर जब हम बात करते हैं तो देर आर फोर टर्म्स जो मैंने यहाँ पे लिख दिए इनको याद रखिएगा यहाँ पे सिंपल बेसिक्स का किसी भी चीज को आप जब रेंट पे ले रहे हो दैट्स अ लीज फाइनेंस तो आप हर महीने उसका रेंट पे करते हो और जो लेसर है वो आपको अलाउ करता है कि आप इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो बिकॉज यू आर मेकिंग अ लीज रेंटल टू मी अब यहाँ पे काफी सारे टाइप की लीज है फाइनेंशियल लीज है ऑपरेटिंग लीज है क्रॉस बॉर्डर है आपका ओपन एंडेड क्लोज हैंडेड है है ना तो अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ लीज फाइनेंस आर देयर जिसमें सेल बैक और सेल एंड लीज बैक भी है आपका सो so, काफी सारे टाइप्स ऑफ लीज हैं यहाँ पर जिनमें कंडीशन चेंज हो जाती है पर कर आप सेम काम रहे हो कि आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर दे रहे हो फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और हर महीने आप उसका लीज रेंटल लोके दैट्स अ लीज फाइनेंस हायर परचेज की हम बात करें तो यहाँ पे दो पार्टीज होती हैं एक होगा आपका हायर और एक होगा आपका हायरी

तो मेरे पास उतना पैसा नहीं है वन टाइम पेमेंट करने के लिए तो मैं शॉपकीपर के पास जाती हूँ मैं एक डाउन पेमेंट उनको दे देती हूँ और बाकी का रिमेनिंग अमाउंट की इंस्टॉलमेंट बनवा लेती हूँ दस इंस्टॉलमेंट में मैं आपको ये बाकी का पैसा जो है पे करूंगी अब यहाँ पे मुझे डाउन पेमेंट देने पे ओनरशिप नहीं मिली मुझे पोजेशन मिला है मैं उस मशीन को यूज कर सकती हूँ ले जा सकती हूँ अपने पास रख सकती हूँ प्रोडक्शन कर सकती हूँ पर मैं मालिक नहीं उसकी और जब तक मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर देती तब तक मुझे उसकी ओनरशिप नहीं मिलेगी मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी पजेशन रख सकती हूँ वो भी तब तक जब तक मैं इंस्टॉलमेंट पे कर रही हूँ अगर मैं इंस्टॉलमेंट पे करना बंद कर देती हूँ तो ये हायरी जो है वेंडर जो है ये कभी भी आ सकता है और अपनी मशीन वापस ले जा सकता है या फिर लेट सी मान लीजिए इस ड्यूरेशन के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि मैं और इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाऊंगी तो आई हैव अ लीगली अलाउड राइट कि मैं जब चाहे तब इसको बंद कर सकती हूँ मैं मशीन ले जाके वेंडर को पकड़ा दूंगी कि अब मैं इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर सकती आप अपनी मशीन रख लो तो ये राइट मेरे पास दिए गए हैं हायर परचेज के अंदर ठीक है सो दिस इज हायर परचेज दिस इज लीज फाइनेंस चलो अब जल्दी से उस उसपे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं क्लास लाइव ले रही हूं मैं आज वाली क्लास रिकॉर्डिंग नहीं है सो डू मेक श्योर आप आंसर करें ऑप्शन का ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है लीजिंग एक्टिविटी वॉज इनिशिएटेड इन इंडिया इन द ईयर डैश लीजिंग को इंडिया में कब स्टार्ट किया गया फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक ब्लैक द फर्स्ट लीजिंग कंपनी ऑफ इंडिया नेम्ड फर्स्ट लीजिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड इन दैट ईयर बाय फारूक इरानी विद द इंडस्ट्रियलिस्ट डैश किस इंडस्ट्रीज के थ्रू स्टार्ट की गई थी सेकेंड स्टेटमेंट आपको दिया गया फॉर सेवरल ईयर्स ये कंपनी जो है इट रिमेन द ओनली कंपनी इन दस कंट्री अंटिल ट्वेंटी सेंचुरी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को सेटअप किया गया इन द ईयर नाइनटीन एटी ठीक है तो आपको बताना है आपका लीजिंग एक्टिविटी इंडिया में कब स्टार्ट हुआ साथ ही में आपको बताना है कि किस इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ फारूक ईरानी ने इंडिया की पहली लीजिंग कंपनी को स्टार्ट किया ए बी सी और डी बताइए क्या आपका आंसर यहाँ पे सही है 1973 1974 1987 सेवन तीन ईयर्स आपके सामने हैं है ना तीन साल आपके पास सामने दिए गए और तीनों में अलग अलग ईयर्स दिए गए अगर आपको आंसर पता है

तो 74 और 87 सेवन तो हम हटा देते हैं पर ए ही करेक्ट होगा ये कॉन्फर्मेशन आप तब देख सकते हो जब आपको पता हो कि किसके साथ किस इंडस्ट्रीज के साथ स्टार्ट किया गया था क्योंकि लास्ट ऑप्शन बोल रहा है आपका नन ऑफ सो राइट आंसर इज एक्चुअली ए नवेंटी में स्टार्ट हुआ था लीजिंग इंडिया में और फारो की रानी ने विद द इंडस्ट्रियल मिस्टर ए सी मोताई के साथ उसको स्टार्ट किया था लीजिंग को सो योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ए ऑप्शन ठीक है आपका राइट right आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा क्लियर सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप्स ऑफ लीजिंग इनमें से कौन सा टाइप्स ऑफ लीजिंग है तो मैंने आपको बताया दैट देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीजिंग तो आपको सामने दिया है फाइनेंस ऑपरेटिंग क्लोज हैंडेड क्रॉस बॉर्डर बैक एंड एक्चुअली इट्स नॉट अ बैंक एंड इट्स अ बैक एंड बी तो बताइए इनमें से कौन सा टाइप्स ऑफ लीजिंग है ए बी सी और डी टाइप्स ऑफ लीजिंग में इनमें से कौन सा करेक्ट है आपका ओके वेरी गुड राइट आंसर इज ऑल ये सभी टाइप्स ऑफ आपकी लीजिंग है फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज तो एक दूसरे के अपोजिट भी है हमने पढ़ा है है ना दे बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर और साथ ही में अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपके ये सभी टाइप्स किसके हैं लीजिंग के हैं के है, तो राइट आंसर विल बी योर डी ऑल ऑफ दी ठीक है राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी अच्छा ये गलत लिखा है ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर विल बी डी ये सभी जो है आपके टाइप्स ऑफ क्या है लीजिंग है ठीक है राइट आंसर आपका होगा डी यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलिंग इज आर एडवांटेज ऑफ लीज फाइनेंस क्या फायदा है क्यों लोग लीज फाइनेंस लेंगे विच ऑफ द फॉलो आर द एडवांटेज बताइए पहला आप बोल रहे रेगुलर इनकम है सेकेंड इज हाई प्रॉफिटेबिलिटी है थर्ड इज थिंग ग्रोथ एंड एक्सपांशन आपको दिखेगा फोर्थ इज थिंग टेक्स बेनिफिट एंड फिफ्थ इज सिंह आपका क्या है इकोनॉमिकल है ये सो लेट मी नो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एडवांटेज ऑफ लीज फाइनेंस देखो लीज़ फाइनेंस इकोनॉमिकल तो होता है ना बिल्कुल होता है आज अगर मान लीजिए मुझे घर रेंट पे रहना पड़ेगा बिकॉज इट इज इकोनॉमिकल इट इज इजी टू अवेल है ना आपके लिए इजी हो जाता है इकोनॉमिकली इट्स इजी टू गेट द थिंग आपका ऑब्वियसली इकोनॉमिकल तो है अब अगर मैं यहाँ पे घर रेंट पर लेकर रह रही हूँ तो मैं अपना टैक्स रिबेट ले सकती हूँ सरकार को दिखा रही हूँ एक साल में दो लाइट से फॉर एग्जाम्पल दो लाख या साठ हजार या सत्तर हजार वट एवर द अमाउंट इज इतने का तो मैं रेंट पे कर रही हूं इस शहर में रहने का तो उस पर सरकार मुझे क्या देगी टैक्स रिबेट देगी तो टैक्स बेनिफिट भी है है ना ग्रोथ एंड एक्सपांशन के चांसेस भी हैं आपके लिए भी साथ में उस ओनर के लिए भी बोथ विल हैव दिस बेनिफिट हाई प्रॉफिटेबिलिटी भी है आप अचानक से पूरा लेट से आप अभी जॉब आपने स्टार्ट करी है एंड यू हैव थॉट कि चलो बैंक से लोन लेके घर ही खरीद लेते हैं गुड़गांव में हम अगर हम घर घर खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली यू हैव टू इन्वेस्ट लैक्स और करोर्स है ना अगर आपको एक बेहतर घर चाहिए यहाँ पे तो तो उससे बेहतर उतना पैसा एक जगह पे लगाने से बेहतर है आप रेंट पे रहो एक्चुअल में ऑब्वियसली so प्रॉफिटेबिलिटी है रेगुलर इनकम आपको मिलता है इसको ऑब्वियसली आप रेगुलर इंटरेस्ट रेंट पे कर रहे हो तो रेगुलर इनकम इज ऑल्सो देर इट मीन ऑल ऑफ द अब ये सारे ही आपके बेनिफिट हैं फॉर द लीज फाइनेंस ऑल आर द बेनिफिट वेरी गुड डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा ओके राइट आंसर इज डी ऑल आर करेक्ट ओके नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव हायर वेंडर के बारे में ओनर के बारे में पूछा जा रहा है हायर परचेस का क्वेश्चन है ये कि इनमें से कौन सा ऐसा ड्यूटी है जो हायर वेंडर यानी कि ओनर की ड्यूटी है सो सर्टेन ड्यूटीज हैव बीन गिवन टू यू इन ड्यूटीज में से बताना है ओनर की कौन सी ड्यूटी होती है हायर परचेज के अंदर ठीक है फर्स्ट इज थिंग हायर वेंडर टू हैज टू डिलीवर द गुड्स इन ड्यू टाइम कि जो भी आपका टाइम है इतनी तारीख को डिलीवर करना है वो आपको करना पड़ेगा एज रिक्वायरमेंट शुड मेक श्योर दैट द गुड्स डिलीवर्ड आर इन गुड कंडीशन पहली चीज़ तो जो डेट पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तब आपको पहुंचाना पड़ेगा दूसरी चीज इंपॉर्टेंट कि आपको सही सलामत पहुंचाना पड़ेगा सही कंडीशन में पहुंचाना पड़ेगा

फोर्थ इज सेंगे ओनर हैज राइट टू यूज द प्रॉपर्टी एज इफ इट है कंडीशन दैट हायर मस्ट टेक केयर ऑफ द प्रॉपर्टी विद ड्यू डेलीजेंस अब आपको यहां पर बताना है इनमें से कौन सी ड्यूटी ओनर की यानी कि बेचने वाले की आती है इन द हायर परचेज ए बी सी ओ डी ओके okay. तो आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे <coughs> सॉरी देखो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है सेकंड भी सही है थर्ड भी सही है फोर्थ में थोड़ा सा गड़बड़ है आप बोल रहे हो जो ओनर है उसी के पास अधिकार है कि प्रॉपर्टी को यूज कर ले ये बोलने की बात है ओनर है तो ऑब्वियसली उसके पास अधिकार है हायर परचेज में ये ओनर को अधिकार नहीं देता एक्चुअल में हायर को अधिकार देता है यानी कि परचेजर को कि परचेजर के पास अधिकार है कि वो प्रॉपर्टी को यूज कर लेगा ऐसे कि वो उसकी ही है क्यों क्योंकि वो आपको एक पे कर रहा है ना अमाउंट साथ ही में हायर जो है आपका जो परचेजर है उसको प्रॉपर्टी का ड्यू डेलीस विद प्रॉपर इंस्पेक्शन टेक केयर करना होगा तो ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये आपका ड्यूटी है हायर का ना कि हायर का हायर वेंडर का नहीं है तो ऑल एक्सेप्ट फोर विल बी राइट आंसर ठीक है आपका राइट आंसर होगा डी ऑल एक्सेप्ट फोर सब हैं तीनों हैं बट फोर्थ स्टेटमेंट नहीं है तो राइट right आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे डी कि आपका फोर्थ स्टेटमेंट इज नॉट दी ड्यूटी ऑफ अ हायर वेंडर और आप बोल सकते हो ओनर और आप बोल सकते हो हायर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग रिगार्डिंग लीज फाइनेंस लीज फाइनेंस को लेके कौन सा स्टेटमेंट गलत है फॉल्स है नॉट करेक्ट बताना है पहला बोल रहा है लीजिंग इज अ मैथड ऑफ एक्वायरिंग द राइट टू यूज इक्विपमेंट और एसेट और फॉर द कंसिडरेशन रिजल्टिंग इन ऑन्टरप्रिनर गेटिंग द राइट टू यूज द एसेट पहला स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट इज टेलिंग हियर कि जो पार्टिसिपेंट है उसको कहा जाता है लेसर और लेसी थर्ड कह रहा है कि लेसी रिमेन्स द ओनर ऑफ द एसेट बट द पोजेशन एंड इकोनॉमिक यूज ऑफ द एसेट इज वेस्टेड इन द एसे थर्ड अब आता है फोर्थ द प्रियोडिक इंटरेस्ट टू बी पेड बाय द लेसी फॉर द यूज ऑफ एन एसेट इज कॉल्ड लीज रेंट अब बताना है फॉल्स कौन सा है सारे स्टेटमेंट लीज फाइनेंस के पर गलत कौन सा है इन लीज फाइनेंस यू आर टेकिंग अ सर्टेन प्रॉपर्टी ऑन अ रेंट ओके सो द राइट आंसर हियर विल बी योर देखो बोल रहा है लेसी के पास ओनरशिप है यार लेसी तो टेनेंट है ना आपका ये तो रेंट दे रहा है आपको तो इसके पास ओनरशिप थोड़ी ना होगी इसके पास तो पोजेशन होगा वो आपकी एसेट को यूज करेगा तब तक जब तक आपका कॉन्ट्रैक्टर ये रेंट पे कर रहा है तो द सी ऑप्शन इज नॉट ट्रू ये आपका फॉल्स है लेसी के पास ओनरशिप नहीं होती लेसी ओनर नहीं रहता ओनर तो लेसर ही रहेगा ठीक है तो राइट आंसर विल बी योर सी ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है राइट आंसर विल बी सी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स रिगार्डिंग द हायर परचेस अगेन आपको बताना है गलत स्टेटमेंट यू हैव टू टेल द फॉल्स स्टेटमेंट बट अबाउट द हायर परचेस हायर परचेस को लेकर <coughs> तो पहला बोल रहा है द ओनरशिप ऑफ द एसेट इज पासड ऑन टू दायर only to payment of the last installment. Second, the amount and number of installments are fixed when the delivery of the asset will be done. Third, the hirer makes a default in making payment of any installment. The seller is entitled to recover the asset from hirer. Fourth, the hirer on his own cannot return the asset to the hiree without any commitment to pay the remaining installment. Look hirer means the person jo purchase kar raha hai. हाईरी का मतलब वो पर्सन जो बेच रहा है ठीक है याद रखिएगा अब बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका फॉल्स है अबाउट द हायर परचेस फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट हायर परचेस ए बी सी और डी ओके okay. तो राइट right आंसर होगा आप लोगों का यहां पर दैट विल बी सब सही है बट फोर्थ नहीं ये बोल रहा है कि हायरर वापस नहीं कर सकता अभी मैंने आपको बताया कि अगर हायरर को ऐसा लगता है कि आगे की इंस्टॉलमेंट में पे नहीं कर पाऊंगा तो वो जाकर वापस कर सकता है आपके वेंडर को कि मैं नहीं कहीं पे कर पा रहा आप रख लो अपनी एसेट सो so जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये आपका फॉल्स है तो राइट right आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन दैट इज फोर ओनली राइट आंसर विल बी बी ऑप्शन जो कि बोल रहा है फोर ओनली है ना क्यों गलत है फोर्थ स्टेटमेंट क्यों फॉल्स है क्योंकि फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है वो आपस नहीं कर सकता जबकि वो वापस कर सकता है ठीक है सो राइट आंसर विल बी योर बी ऑप्शन चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग वाला एलिमिनेशन मेथड यूज करिएगा एलिमिनेशन मेथड यूज करके आंसर दीजिएगा पहला है परसेंटेज लीज सेकेंड है ओपन हैंडेड लीज और थर्ड है क्रॉस बॉर्डर लीज बहुत ईजी है बहुत ईजीली आप आंसर दे सकते हो परचेज <coughs> और लीज में डिफरेंस होता है अगर हम बात करें लीज की तो लीज में डेप्रिशन जो है वो अप्लाई किया जाता है है ना एट द टाइम ऑफ यू आर प्रोवाइडिंग दैट एसेट टू दी पर्सन जो कि हायर परचेज में नहीं होता दूसरी चीज लीज में आपके पास ऑप्शन है कि उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप कभी जाकर आपको मिल भी सकती है और हो सकता है नहीं भी मिले बट हायर परचेज में अगर आपने सारे इंस्टॉलमेंट पे कर दिए तो आपको ओनरशिप मिलेगी दैट्स द मेजर डिफरेंस ठीक है और एक और डिफरेंस ये आता है कि लीज में यू डू नॉट हैव टू मेक द डाउन पेमेंट आपको रेंट पे करना होता है जितने महीने आप उसको यूज करना चाहते हो बट इन हायर परचेज यू हैव टू मेक डाउन पेमेंट और रिमेनिंग पेमेंट आपको इंस्टॉलमेंट में वापस करना पड़ेगा है ना तो कुछ बेसिक से तीन या चार डिफरेंस है आपके बिटवीन द टू चलिए तो सबसे पहले देखो क्रॉस बॉर्डर लीज मुझे बहुत लगता है। identify, तो, मैं से करती हूं। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट है लेसर आर सिचुएटेड इन टू डिफरेंट कंट्रीज सो थर्ड इज बी थर्ड आपका क्या है बी है तो थर्ड अगर बी है तो एलिमिनेशन मैथ से थोड़ा सा एलिमिनेशन देखते हो पाएगा क्या तो ऑब्वियसली बी ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि ये बोल रहा है ए बट थर्ड तो बी है कन्फर्म है चलिए आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं परसेंटेज लीज की परसेंटेज परसेंटेज लीज लीज देखो लिखा ही है इन द द नीड्स टू पे फिक्स लीज रेंटल प्लस कुछ परसेंटेज भी देना पड़ेगा प्रीवियस ईयर ग्रॉस रेवेन्यू का इट मीन फर्स्ट इज वॉट सी तो सेकेंड क्या होगा ए फर्स्ट इज सी सेकेंड इज ए थर्ड इज बी यानी कि आपका राइट right कॉम्बिनेशन होगा सी ऑप्शन ओके राइट कॉम्बिनेशन विल बी योर सी ऑप्शन तो याद रखिएगा आर आर लॉट ऑफ ऑफ टाइप्स लीज रखियेगा तो इनका डेफिनेशन याद रखना है हर टाइप ऑफ लीज का चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन लीज फाइनेंस एंड हायर अबाउटेज चलो एक डिफरेंस का क्वेश्चन यही आ गया अब आप बताओ उसमें डिफरेंस क्या होगा पहला बोल रहा है लेसर कैन क्लेम फॉर डेप्रिशिएशन वाइल हायर परचेज कैन नॉट इज द हायर परचेजर कैन बिकम द ओनर ऑफ द एसेट आफ्टर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट वाई कैन नॉट थर्ड अ लीज ट्रांजेक्शन इज अ टाइप ऑफ इंस्टॉलमेंट क्रेडिट एंड वाइल अ हायर परचेज एग्रीमेंट इज अ कमर्शियल एग्रीमेंट बताइए एंड फोर्थ इज सेइंग ऑल आर करेक्ट अब आपको बताना है डिफरेंस क्या है लीज फाइनेंस और हायर परचेज को लेकर ये तीन स्टेटमेंट दिए हैं इनमें से करेक्ट डिफरेंस कौन डिफाइन कर रहा है देखो अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं तो ऑब्वियसली डेप्रीशियशन क्लेम तो किया जाता है पर क्लेम कौन करता है क्लेम तो किया जाता है बट क्लेम कौन करेगा लेसर की लेसी लेसी करता है ना लेसी करता है लेसर नहीं करता तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया सेकेंड आपको बोल रहा है कि हायर परचेज में ओनर जो है वो बन जाएगा जब वो लास्ट पेमेंट दे देगा लेसी नहीं बनेगा लेसी की केस में कंडीशन होती है चलिए ठीक है थर्ड बोल रहा है ना इंस्टॉलमेंट में आप पे कर रहे हो आपका लीज एग्रीमेंट तो एक्चुअल में एक कमर्शियल एग्रीमेंट होता है ना कि आप उस प्रॉपर्टी को यूज करना चाह रहे हो तो राइट आंसर आपका क्या होगा बी इकलौता स्टेटमेंट जो करेक्ट डिफरेंस बता रहा है लीज फाइनेंस एंड हायर परचेस के बीच में वो है आपका बी स्टेटमेंट क्योंकि ए और सी तो इनकरेक्ट है ठीक है ए और सी बोथ आर इन करेक्ट तो राइट आंसर डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड लीज फाइनेंस ठीक है राइट आंसर इज बी चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में अ डैश इज एन एग्रीमेंट किसी एक टाइप के बारे में पूछा गया आपसे कि ये एक एग्रीमेंट है वे द लेसर जो ओनर है बोरोज अ पोर्शन ऑफ द परचेज प्राइस फ्रॉम सम बाय द लोन रीपेड आउट ऑफ द लीज रेंटल इधर डायरेक्टली बाय द लेसी और बाय द लेसर अब आपको बताना है ये कौन सा टाइप ऑफ लीज है ये फाइनेंस लीज है ये ऑपरेटिंग लीज है या क्रॉस बॉर्डर लीज है या लेवरेज लीज है देखो क्रॉस बॉर्डर तो नहीं हो सकता क्योंकि दो कंट्रीज के बारे में बात तो आपने करी नहीं यहाँ पर तो इसको एलिमिनेट कर दो अब तीन ऑप्शन में से क्या है इस क्वेश्चन का कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि कोई प्रॉपर्टी आपने ली है उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आपने किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लिया है ठीक है कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आपने किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है अब वो जो लोन का इंस्टॉलमेंट आपको पे करना है वो आप इस प्रॉपर्टी को रेंट पर चढ़ाकर जो रेंट आएगा उससे पे करोगे या तो वो डायरेक्टली आपका जो टेनेंट है है ना जो लेसी है वो डायरेक्टली जाके बैंक को पे कर देगा या वो आपको पे करेगा और फिर आप अपने बैंक को पे करो ओके okay? पर जो प्रॉपर्टी आपने लोन पे ली है उसका इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हो फ्रॉम द लीज रेंटल ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन ठीक है तो ऐसी कौन सी लीज होती है ये होता है आपका लेवरेज लीज राइट आंसर विल बी डी इट इज योर लेवरेज लीज ठीक है तो राइट आंसर विल बी योर डी ओके okay, चलिए आगे बढ़ते हैं चलो तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस फ्रॉम योर लीज फाइनेंस एंड हायर एक बार बताइएगा पे कितने आंसर्स आपने करेक्ट दिए हैं और डेली ये सेशन होगा मंडे टू सैटरडे होगा मॉर्निंग 7:30 थर्टी ए एम डू मेक श्योर आप इसको रेगुलरली ज्वाइन करो जैसे आज लीज फाइनेंस हमने किया है कल हम क्रेडिट रेटिंग और क्रेडिट स्कोर करेंगे जो मॉड्यूल डी में है इससे पहले वाले सेशंस आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाइएगा और प्लेलिस्ट में जाके आपको सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी उनको रिकॉर्डिंग को देख लीजिए डबल स्पीड में देख सकते हो टाइम आपका बचेगा चलिए अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपके डबल वैलिडिटी विद 81 परसेंट डिस्काउंट चल रहा है महापैक के ऊपर और बाकी मैच उस पर चल रहा है 81 परसेंट डिस्काउंट एंड मैं आपसे हर बार बोलती हूँ जब भी आपको डबल वैलिडिटी दिख जाए महापैक में तो डू मेक श्योर यू गो विद महापैक बिकॉज दैट्स द बेस्ट वैल्यू फॉर योर मनी तो स्क्रॉल डाउन करोगे आप एप्लीकेशन पहले डाउनलोड कर लेना देन स्क्रॉल डाउन करिए देन जीआईबी मे 2024 पे आप जाओगे तो यू विल फाइंड जीआईबी महा पैक पे डबल वैलिडिटी अभी आपका चल रहा है साथ ही में यू कैन सी क्रैश कोर्स आ चुके हैं तो ये आपका जीआईबी का क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है क्या बेनिफिट है क्रैश कोर्स में यहां से देख लीजिए कौन-कौन सी लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी अभी कोई भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं क्योंकि बैच स्टार्ट नहीं हुआ बैच अट्ठारह को स्टार्ट होगा देन आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगी टॉपिक वाइज एंड फुल लेंथ देन आपको यहाँ पे मिल रहा है ई बुक्स एज वेल ठीक है तो इसी के बाद अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो स्टडी प्लान्स मिल जाएंगे चारों सब्जेक्ट के स्टडी प्लान अवेलेबल हैं एनरोल करने के लिए क्लिक कर लीजिएगा बाय नाउ पे एंड एंटर द कोड वाई फोर नाइन सिक्स जिसपे आपको एटी वन परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा 80 यहां शो कर एडिशनल जब आप से परचेज करोगे तो यू विल गेट वन परसेंट एडिशनल डिस्काउंट तो एटी वन परसेंट डिस्काउंट होगा सिक्स मंथ वैलिडिटी, कोड वाई फोर नाइन सिक्स ऑफ मार्च से ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है जहां पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपका ठीक है? है वेबिनार की की भी आप लोगों को मुझे देनी है, तो बने रहिएगा सेशन में। This is एक साल वैलिडिटी होगी स्क्रॉल डाउन करो आप आपको क्रैश कोर्स के बेनिफिट कॉम्प्रीहेंसिव बैच के बेनिफिट तो मिलेंगे ही प्लस आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे टॉपिक वाइज अच्छा सॉरी लेंथ मॉक टेस्ट तो मिलेगा ही वो तो आपके अदर बैचेस का भी पार्ट है यहाँ पे आपको मिनि एंड महा मिल रहे हैं आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे यहाँ पे आप सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे को क्या कर सकते हैं फ्रॉम योर मिनटॉर्स यू कैन हैव अ डाउट सेशन एज वेल सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी कॉम्प्रीहसि बैच भी है क्रैश कोर्स भी है आने वाले रिवीजन बैच आने वाले पावर पैक बैच आने वाले न्यूमेरिकल बैच केस स्टडी बैचेस सब कुछ है एवरी थिंग इज देयर सब कुछ अवेलेबल है ठीक है सो एनरोल करने का तरीका वही यूज़ करना है बाय नाउ पे क्लिक करेंगे कोड यूज करेंगे वाई फोर नाइन सिक्स तो आप देखोगे फिफ्टी सेवन हंड्रेड में एक साल की वैलिडिटी है सारे बैचेस मिल रहे हैं है ना आपको बार बार अनरोल करने की जरूरत नहीं है अप्रैल मंथ में अभी आपका क्रैश कोर्स आ रहा है एटीन मार्च को अप्रैल में आपका रिविजन बैच आएगा है ना एंड पावर पैक बैच आएगा आपका मे में, में फॉर योर ए एंड रिटेल बैंकिंग क्योंकि उसका पेपर जून में है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा महापैक में अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज जो मैं इन्फॉर्म करना चाहती हूँ यहाँ पे दैट इज अबाउट वेबिनार तो कुछ नहीं करना जाएंगे जेआईबी सी आई बी में क्लिक करेंगे जेआईबी में टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर आपको ये दिख जाएगा ये है वेबिनार जो मैं आप लोगों के ले लिए ले लेकर आ रही हूँ मार्च को ठीक है मार्च को ये वेबिनार रहेगा एक घंटे का आपका वेबिनार है आठ से नौ आप यहाँ पे क्या करना है फ्री में आप इसको अटेंड कर सकते हो क्लिक ऑन बाय नाउ बाय नाउ पे क्लिक करके यहाँ पे फ्री कोड लगा दीजिएगा बस वेन यू अप्लाई फ्री तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं पे करना अरे वट हैपेंड आप अप्लाई कर दोगे फ्री सो इट विल शो यू द जीरो रुपीज हंड्रेड परसेंट ऑफ आपको मिल जाएगा ये वेबिनार अटेंड करना है 15th को रात आठ बजे अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप रेगुलरली वाई टी के वाई टी के सेशन को ज्वाइन करना चाहते हो देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि सभी अपकमिंग सेशन के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें साथ ही में इफ़ यू हीट द एटी वन परसेंट डिस्काउंट एंड डबल वैलिडिटी ऑफर तो ये आज दिन बारह बजे तक अवेलेबल है इफ़ यू वॉन्ट टू एनरोल एनरोल सून यूज़ द कोड वाई फोर नाइन सिक्स और इस्टार्ट कर दीजिए प्रपरेशन अगर अभी तक नहीं किया है तो कॉम्प्रिहसिव बैच से करो या फिर आप कैश कोड से करो इट्स अप टू यू कि आप कितना टाइम दे सकते हो अपनी प्रिप्रेशन को ठीक है बोथ द बैचेज विल भी हेल्पफुल टू क्लियर योर पेपर सो डू डिसाइड एज़ पर योर टाइम अवेलेबिलिटी विद यू एंड स्टार्ट योर प्रपरेशन ठीक है चलिए तो यहाँ पर एंड कर दें सेशन को हैव अ गुड डे एवरी वन कल मिलेंगे फिर से एट द सेम टाइम विद द नेक्स्ट यूनिट ऑफ यूर मॉड्यूल्टी ठीक क्या बाय